एमएलसी पाकिस्तान उलमाए कौंसल जिला बिहाड़ी के सदर कारी मोहम्मद अला सदीकी के जेर एहतमाम इत्तेहाद उम्मत कन्वेंशन जमील मार्ग की एमएलसी में मुनक्किद हुआ, जिसे खिताब करते हुए सूबाई सदर मौलाना अजीज अकबर कासमी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी सादुल्ला शफीक, कारी मोहम्मद अला सदीकी, अजीजुल्ला शाह ताहिर, निजामुल्ला खान पांडा, कारी महफूज अहमद कासमी, मौलाना उमेर शाहीन, मलक सज्जाद हुसैन जरगर, कैसर मुमताज खैरपुरी, मलक आमिर सलीम, मियाँ करम राड़, फौजी मकबूल इशफाक कादरी, मोहम्मद नईम कुरैशी, कारी हक नवाज, मियाँ शबीर अहमद और दीगर ने कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर मुजालिम ढाई जा रही हैं। कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा समेत दीगर ममालिक में मुसलमानों के कत्ल वारत जारी हैं। आलम कुफ्र का मुकाबला करने के लिए पूरी मुस्लिम उम्मत का मुत्तहिद होना जरूरी है। अगर दुनिया भर के मुसलमान मुमालिक मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस मौके पर चौधरी कामरान महमूद को जिला विहाड़ी का नायब सदर मुकर्रर किया गया। सूबाई कायदीन ने बेहतरीन कारकर्दगी पर कारी मोहम्मद अला सदीकी को अवार्ड से नवाजा। कन्वेंशन में मोहम्मद असलम खान यूसुफजई, सज्जाद अहमद सईदी, यूसुफ अमीर हासफी, मोहम्मद जहांगीर भट्टी, लोने खां बलोच, शब्बू खां, मलक सईद, पीर अफजल कादरी, इमरान बलोच ने भी शिरकत की। आखिर में पीर अताउल्ला ने हम सिर्फ और सिर्फ अमन के दावे हैं, अमन फैलाना चाहते हैं। हमारा नारा, हमारे कायदे मोहतरम का सिर्फ एक ही नारा है कि हम सिर्फ इत्तेहाद उम्मत। बिला तखीर तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान उलमा कौंसल जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल जनाब हजरत मौलाना सादुल्ला शफीक साहब। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि दुआ कराई। रिपोर्ट मुजम्मिल खुरम, मीडिया रिपोर्टर पाक एशिया न्यूज़, मेलसी।